हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, तो अभी मैं फ्रेश वगैरह होंगी, उसके बाद मैं किचन में चलूँगी। किचन में चल के आज ना अपने बेटे के लिए बनाऊँगी पोहा। उसकी डिमांड है कि पोहा लेके जाऊँगा मैं आज, नहीं तो मैं खाना नहीं लेके जाऊँगा। तो बहुत जल्दी से बन जाएगा, तो इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं रहेगा। फिर अपने लिए बाद में हम दोनों खाना बना लेंगे, ब्रेकफास्ट बना लेंगे बाद में दोनों। तो पहले उसी का काम करूँगी, फिर उसको उठाऊँगी। तो चलिए अपने काम को कंटिन्यू करती हूँ, साथ में आप ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर ना ये वाला पोहा बना रही थी मैं सुबह। तो इसको बनने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और जल्दी से बन जाता है। तो पोहा तो मेरा बनकर रेडी हो गया है। तो ये ना बर्तन धोए थे रात के, तो इसी में इसकी बोतल का ढक्कन भी था वो भी मैंने ले लिया, और साथ में टिफ़िन बॉक्स भी पैक कर लिया। तो यही काम होता सुबह का सबसे ज़्यादा मेरे को। और उसके बाद इसकी बोतल भी भर ली मैंने ठंडे पानी से। तो चलिए इसका लंच बॉक्स और बोतल तो हो गया। उसके बाद मैंने ना उसको नाशपाती डाली थी आज फ्रूट में, जो कि उसको नाशपाती और माल्टा बहुत पसंद है। बाकी फ्रूट खाना इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, और माल्टा और जो ये मौसमी माल्टा और इसको ना नाशपाती बहुत अच्छी लगती है। तो आज यही डाली है मैंने इसके फ्रूट बॉक्स में। तो अभी ना मेरा बेटा स्कूल चला गया है, तो उसके बाद मैं ना अपनी पूजा पाठ करूँगी जो भी मुझे रहता है, तो वो मैं कर लूँगी। उसके बाद आपसे मिल यहाँ पर ना मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है जो भी मुझे सुबह करनी रहती है बेटे के जाने के बाद। तो यहाँ पर ना मैं दोपहर के लिए ना रायता बना रही थी कि उसको जल्दी बना ले तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर फ्रिज में ठंडा करके खाने में बहुत टेस्टी लगता है वो। तो उसमें मैं डालूँगी खीरा, अनियन, मतलब खीरा, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च और पुदीना डाल के सब बनता है। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें ये बूंदी डाली हुई है, जो कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है रायता। तो चलिए यहाँ पे मेरा रायता बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ना ये मैंने कपड़े वगैरह जो थे मेरे कल के धोए हुए, मैं सारे फोल्ड कर लिए। कुछ अभी हैं यहाँ पे, ये मेरे देखो हस्बैंड ने ये कपड़े फोल्ड किए हुए हैं और ये ऊपर ऐसे फेंक दिए हुए। क्या करना है बताओ, बस काम ही बढ़ाएंगे पूरा दिन बस। तो यहाँ पे ना ये मेरा जो प्लांट है उसको ना लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था पानी चेंज किए हुए, तो मैंने वो भी कर लिया, नहीं तो ये सड़ना शुरू हो जाता। हस्बैंड को मैंने बोला था कि ये जो ब्लैंकेट है और ये टावल है, सुबह जो नहाते हैं तो टावल फिर अंदर थे, तो मैंने बोला इनको आज अच्छी खासी धूप लगी है तो इनको भी बाहर डाल के आ जाओ आप। यहाँ पे अंकल ने घास भी काट दिया होता, तो मैंने बोला यहीं पे रख दो आप ना, आंगन में क्यों रखना है, यहाँ पे अच्छी धूप लगी है तो आप यहीं पे रख दो। और बाहर का नज़ारा भी कितना सुंदर लग रहा है ना, हरा हरा हर तरफ, बहुत ही प्यारा लग रहा है व्यू। तो आज ना मैं अपने हस्बैंड से ना बहुत गुस्सा हूँ, नाराज़ हो गया, क्योंकि उन्होंने सुबह बोला था कि जल्दी जल्दी से काम करो आप ना, फिर हम ना मार्केट चलेंगे, आपको जो लेना होगा ना वो ले लेना। तो पहले तो मुझे ऐसे बोला, और मैंने जल्दी जल्दी से काम भी फिनिश कर लिया, नहीं तो मैं बेटे के जाने के बाद ना थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो मैंने आज ना बिल्कुल जल्दी जल्दी से काम कर लिया, मैंने सोचा मुझे लेके जाएंगे मार्केट, तो खुद ही चले गए अकेले। मैं अपना काम कर रही थी और उन्होंने बोला कि मैं आता 2 मिनट में, सोचा बाहर शॉप पर गए होंगे तो आ जाएंगे। तो मैंने देखा बाहर तो स्कूटी नहीं है, तो वो तो खुद ही घूम के आ गए और मुझे नहीं लेके गए, तो इसलिए मैं ना बहुत नाराज़ हूँ उनसे। तो चलिए जाने देते हैं उनको, ऐसे ही है वो तो। तो अभी ना शाम के बज रहे हैं 7 और मैं अपना काम करने के बाद ना सो गई थी, तो फिर सो ही रही, नींद इतनी गहरी पड़ी कि नींद अभी खुली है। तो आज तो मेरे पास आ ही गया मेरा कुरकुरा फेवरेट, जो कि मेरा बेटा लेके आया आज। तो कुरकुरा तो बाद में खाऊंगी मैं, बाकी अपना काम करूंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग का ना यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।